students, welcome to today's session. Class 3 English Grammar Chapter 1. Class 3 English Grammar Chapter 3. So we already learned what is noun and its 5 kinds. What is noun? A noun is a naming word. There are 5 kinds of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. What is called common noun? The names given to same class or group of persons, places, animals, or things are called common nouns. So common noun yani kya hai? The names given to same class or groups of persons, places, animals or things ko kya kehta hai? Ek hi group of ya class of persons ko, animals ko, place ko ya things ko jo naam deta hai wo kya hai? Common noun. The second one, proper noun. So today what we are going to learn, what is proper noun? What is proper noun? The name we give to a particular person, animal, place or thing is a proper noun. So proper noun yani kya hai? The name we give to particular person. Particular person ko, nahi to animal ko, place ko ya thing ko jo naam deta hai na, wo kya hai? Proper noun. The name we give to particular person, animal, place or thing. पर्टिकुलर जो नाम्स होता है, स्पेशल नाम, स्पेसिफिक नाम्स जो होता है वो क्या है? प्रॉपर नाउन. ऑल प्रॉपर नाउन बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर. ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर. यानी प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. तो लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. सी चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. तो अभी इधर दो जगह का नाम है, स्पेसिफाई करके रखा है ना, दो जगह का नाम. एक तो पंजाब है और दूसरा क्या है? चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, यानी पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. तो अभी देखो सी कैपिटल लेटर है और पी कैपिटल लेटर है. तो ऑलवेज द प्रॉपर नाउन बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स एंड द पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ प्लेस, राइट? सो ये क्या है? प्रॉपर नाउन. सेकंड वन इज गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर. यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर पे. तो ये गोल्डन टेम्पल पर्टिकुलर प्लेस का वो टेम्पल का नाम है ना, और अमृतसर क्या है? पर्टिकुलर प्लेस का नाम है. सो दीज आर प्रॉपर नाउन. सी गोल्डन टेम्पल एंड अमृतसर. जी टी कैपिटल लेटर, ए कैपिटल लेटर. नेम्स ऑफ पीपल. अभी जो लोगों का नाम होता है ना, जो भी लोगों का नाम होता है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. सम एग्जाम्पल्स लाइक सचिन तेंदुलकर, अकबर, इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, मदर तेरेसा, ये सब क्या है? नाम्स है, नेम्स है, राइट? सो ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन्स. ओके, अभी विराट कोहली, धोनी और जो भी है वो आपका नाम है ना, योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, योर टीचर्स नेम एंड नेम ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स आर प्रॉपर नाउन्स. आपका नाम, आपका पेरेंट्स का नाम, पापा मम्मी का नाम, आपका ब्रदर्स का नाम, सिस्टर्स का नाम, ऑल योर फ्रेंड, नेम ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर टीचर्स, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन. यानी लोगों को नाम होता है ना, वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन है. The names of festivals and special days. अभी festivals होता है ना, त्यौहार का नाम होता है और special days का नाम होता है, वो सब क्या है? Proper nouns है. Okay, like Diwali, Eid, Christmas, Holi, है ना, ये सब क्या है? त्यौहार का नाम है ना, तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है. ओके, और अभी देखो ये सब क्या है? कैपिटल लेटर से शुरू किया है ना, हमेशा याद रखना, द प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. सी हियर डी इज कैपिटल लेटर, ई इज कैपिटल एंड जी इज कैपिटल. नाउ द नेम्स ऑफ फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन. अभी देखो फेमस प्लेसेस का, बिल्डिंग्स का, मोनूमेंट्स का जो भी नाम्स है ना, वो सब भी क्या है? प्रॉपर नाउन्स है. देखो ताजमहल, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कनॉट प्लेस, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स है ना, फेमस प्लेस का नाम, जगह, बिल्डिंग्स का नाम और मोनूमेंट्स का नाम, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स है. ओके, द नेम ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री. जो कंट्री में रहने वाला लोगों को जो हम पर्टिकुलरली कॉल करता है ना, बताता है ना, अभी जो इंडिया में हम रह रहे हैं तो हमको क्या कहता है? इंडियंस,
है ना, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। अभी इधर देखो कंट्री दिया है, उनको लोगों को क्या कहते हैं, जापान, जापान का क्या लोगों का हम क्या कहते हैं, जापानीज, फ्रांस का फ्रेंच, पाकिस्तान पाकिस्तानीज, चाइना चाइनीज, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, जो द नेम ऑफ पीपल हु लिव इन पर्टिकुलर कंट्री, जो कंट्री में रहने वाला उन लोगों को हम जो नाम देते हैं वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, नाउ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड द नेम्स ऑफ द मंथ, यानी महीने का नाम्स और वीक का डेज का नाम। अभी देखो डेज ऑफ द वीक क्या क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 days, राइट, ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन्स। ओके, एंड द नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑल दीज टॉल मंथ्स आर प्रॉपर नाउन। के जो भी वीक का नेम्स है और मंथ्स का नाम क्या है वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, तो प्रॉपर नाउन यानी द पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। Now test your knowledge. Underline the common noun and circle proper noun. Here what we have to do, we have to read this sentence and underline the common noun and circle the proper noun. क्या करना है, common noun जो भी common noun है ना उसको क्या करना है, underline करना है, और जो भी proper noun है उसको क्या करना है, circle करना है. The first sentence, Sanjeev and Rishi enjoyed the party. Either कौन सा है प्रॉपर नाउन, कौन कौन सा है, यानी पर्टिकुलर नाम कौन सा है, संजीव, संजीव एक आदमी का नाम है ना, और राशि ये भी क्या है, नाम है, नेम ऑफ ए पर्सन, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन, एंड पार्टी इज कॉमन नाउन। नाउ सेकंड वन इज, वी आर गोइंग टू विजिट चारमीनार टुमारो, वी आर गोइंग टू विजिट चारमीनार टुमारो, इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, चारमीनार। आवर फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली, आवर फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली, इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, विराट कोहली, नेम ऑफ ए पर्सन है, इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन विराट कोहली, एंड कॉमन नाउन क्या है, प्लेयर। ओके, नाउ रिया टॉस्ड ए शाइनी कॉइन इनटू द रिवर, इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, रिया, नेम ऑफ ए पर्सन, और कॉमन नाउन्स कॉइन है और रिवर, समझ में आया। ओके, एक्सरसाइज बी, rewrite the sentence using capital letters for the proper noun. इधर जो 5 sentence दिया है उसमें जो proper nouns है ना वो small letter में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, वो capital letter में लिख के ये sentence को rewrite करना है। First sentence is, Mary Fernandez studies in St. Mary's school. तो इसमें Mary Fernandez is proper noun, right? So M capital letter, M A R Y, Mary, F capital letter, Fernandez studies in S capital, Sen, M capital, Mary's school. तो हमने क्या किया, सेंटेंस में जो भी प्रॉपर नाउन है उसमें उसको कैपिटल लेटर कर दिया। नेक्स्ट वन इज, बीरबल वॉज नॉन फॉर हिज इंटेलिजेंस, तो इधर प्रॉपर नाउन के आंसर है बीरबल, नेम ऑफ ए पर्सन, राइट, तो बी कैपिटल लेटर, B I R B A L, Birbal was known for
is intelligence. Full stop. Now, third one, I went to the India Gate and had a lot of fun. Isme proper noun kaun sa hai? India Gate. And always remember that the sentence begins with capital letter. So, I, capital letter. I went to the India Gate. I, capital, okay? India Gate, G capital Gate, and had a lot of fun. First up. Fourth one, this car belongs to the Kapoor family. This car belongs to the Kapoor family. Isme proper noun kaun sa hai? Kapoor. Or the sentence always begins with capital, so we have to write T capital letter. This car belongs to the Kapoor, K capital Kapoor family. Stop. Last question. February is the shortest month of the year. Always remember that all the months are proper nouns. So F capital letter. February, F capital letter. February. February. Is the shortest 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 month 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 of the year. Full stop. Now the last exercise. Megha wrote the following letter and has done many mistakes in capital letters. She has put them in wrong position. Can you correct the letter? You may use another sheet of paper to rewrite the letter in करेक्टेड फॉर्म. इधर क्या करना है, मेगा एक लेटर लिखी है, उसमें ना कैपिटल लेटर का बहुत सारा मिस्टेक है. जहाँ कैपिटल लेटर लिखना है उधर तो कैपिटल लेटर नहीं किया, जहाँ नहीं लिखना है उधर कैपिटल लेटर लिख के रखा है. तो हमको क्या करना है, इसको प्रॉपरली लिखना है.
रीराइट करना है करेक्ट करके, ओके okay? आप लोग क्या करना है, दूसरा एक नया पेपर में, कॉपी में, एक पेपर में इसको आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है, करेक्ट करके लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ओके okay? एंड इसमें जो भी एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से याद करना है, ओके okay? थैंक यू.